मारुति जेन याद है 1993 में आई जेन इंडिया की पहली लग्जरी कॉम्पैक्ट कार प्रॉपर यूथ आइकन अलग ही फैन बेस है जेन का जेन कार्बन जेन स्टील और जेन क्लासिक फिर मारुति ने कहा बस बहुत हो गया और 2006 में लॉन्च की जेन एस्टिलो गलत मत समझना गाड़ी में कोई कमी नहीं थी मारुति ने एस्टिलो को टॉल बॉय लुक देके ऑल्टो और वैगनर के बीच में रखा ऑल्टो पे आप जमीन पे बैठते थे वैगनर में छत पे और एस्टिलो में गाड़ी में इनफैक्ट फीचर से लेकर F10D इंजन तक एस्टिलो वैगनर ही थी एक परफेक्ट कार फिर 2009 में मारुति ने एस्टिलो से जेन हटाया और 1100 सीसी हटा के K10B 998 सीसी का इंजन डाल दिया फिर से गाड़ी अच्छी थी पर जेन नहीं थी जेन थी एक यूथ आइकन और एस्टिलो थी उनके पिताजी की आइकन ऊपर से ये सेगमेंट था काफी क्राउडेड और बोलबाला था सैंट्रो का और मारुति की खुद की कई गाड़ियां फाइनली 2013 में जेन लवर्स पे मेहरबानी करके मारुति ने एस्टिलो को डिसकंटिन्यू करके YL7 या सिलेरियो को लॉन्च कर दिया और कंटेंट अच्छा लगा तो सब्सक्राइब टू कास्ट 24